बिहार के किशनगंज में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आया है। यहां पर नियोजित शिक्षकों की किस्मत जिस दस्तावेज के माध्यम से खुलने वाली थी, जिस दस्तावेज के माध्यम पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था, वही दस्तावेज जो है शिक्षा विभाग के शौचालय और कूड़ेदान से मिला है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा फरवरी महीने में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था और इस परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी सफल हुए थे, यानी कि पास हुए थे, नियोजित शिक्षकों का मार्च महीने में ही वेरिफिकेशन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय में सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र को BRC लिपिकों के माध्यम से जमा करा दिया गया था। यह प्रवेश पत्र इसीलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दस्तावेज के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। साथ ही अभी 1 अगस्त से ही सक्षमता परीक्षा पास हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जिले में काउंसलिंग होने वाली है। नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए गए शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र 20 और 22 जुलाई के बीच नियोजित शिक्षकों को वापस किया गया, सभी जिलों में वापस कर दिया गया, लेकिन ठाकुरगंज के शिक्षकों को अभी तक सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र उन्हें नहीं मिला है क्योंकि उन लोगों का प्रवेश पत्र कार्यालय से गायब हो चुका है। जिसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नुपुर कुमारी ने आनन फानन में ठाकुरगंज प्रखंड के संसाधन केंद्र के लेखा सहायक सुमित कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्थापना कार्यालय के लिपिक साकेत सुमन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि ठाकुरगंज प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखा सहायक सुमित कुमार के द्वारा स्थापना कार्यालय के लिपिक साकेत सुमन को 4 महीने पहले ही ठाकुरगंज शिक्षकों के दस्तावेज को सौंप दिया गया था और उनको कहा गया था कि आप इसको संभाल के रखें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नोटिस मिलने के बाद जब कल शिक्षा विभाग के रोलबाग स्थित पुराने जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में खोजबीन शुरू हुई तो कार्यालय के कूड़ेदान और शौचालय में मूल प्रमाण पत्र बरामद कर लिए गए। साथ ही आपको बता दें कि ठाकुरगंज के नियोजित शिक्षकों के लगभग वहां पर 700 मूल प्रवेश पत्र जमा कराए गए थे जिसमें 630 प्रमाण पत्र वहां से गायब थे, जबकि अभी तक 70 से अधिक प्रमाण पत्र गायब हैं, अभी वो नहीं मिले हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के लापरवाह क्लर्क साकेत सुमन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग किया है। वहीं आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नुपुर कुमारी बताती हैं कि उन्होंने कहा है कि एक प्रखंड का फाइल कार्यालय से गायब हुआ था, जबकि मेरे द्वारा नोटिस जारी करने पर वो फाइल जल्द ही बरामद कर लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि ठाकुरगंज के शिक्षकों का मूल प्रमाण पत्र गायब था, फिलहाल शिक्षकों को उनका प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि उनको बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लापरवाही जो क्लर्क किया है उसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और आगे जो भी कार्रवाई है उसे की जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग का इतना बड़ा लापरवाही का मामला किशनगंज से सामने आया था। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।